ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। आगरा में एक मां का शैतानी चेहरा सामने आया है। उसने अपने बेटे द्वारा 100 रुपए चुराने पर बुरी तरह से पीटा। बेरहम मां ने अपनी बेटी को 100 रुपए चुराने को लेकर सड़क पर बुरी तरह जंगली जानवरों की तरह पीटा। युवती को सड़क पर घसीटते हुए घुमाया, इसके साथ उसके जमकर लात घूसे मारे, जिससे युवती बुरी तरह घायल हो गई और गस खाकर जमीन पर गिर पड़ी। वहीं मौके पर पहुंचे 2 सिपाहियों ने कानून की नजर से उन महिला को हाथ लगाने की कोशिश न की। ये पूरा मामला लाइव कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि थाना हरिपुर के मरीना पार्किंग में अंजू देवी नाम की महिला ने अपनी ही बेटी को सिर्फ इस बात पर मारा क्योंकि उस बेटी ने मां से बिना पूछे 100 रुपए पर्स से निकाल लिए। इस बात की मां को खबर लगते ही वह आग बबूला हो गई। बेरहम मां ने अपनी ही बेटी की सरेराह बुरी तरह पिटाई की। हालांकि 2 सिपाहियों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन क्रोधित मां ने किसी की भी ना सुनी। जालौन में नोटबंदी की वजह से हुए नुकसान के कारण एक किसान अपनी जिंदगी से हार गया और उसने मौत को अपने गले लगा लिया। मामला जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम ऐधा का है, जहां पर आज विनय कुमार नाम के एक दलित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कोटरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों के अनुसार विजय के पास 2 बीघा जमीन थी, जिस पर उसने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड पर 60,000 रुपए का कर्ज भी ले रखा था, लेकिन देवी आपदाओं की वजह से वह उसे चुका नहीं पाया था, जिस कारण उसने कर्ज चुकाने के लिए इस वर्ष 10 बीघा जमीन बलकट पर भी ले रखी थी। उसमें उसने मटर की फसल बोई हुई थी और फसल इस वर्ष बहुत अच्छी थी, जिससे उसको उम्मीद थी कि वह अपना बैंक का कर्जा भी चुका देगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। लेकिन अचानक नोटबंदी हो गई और पैसों की कमी के कारण हरी मटर की फसल व्यापारियों ने बहुत सस्ते दामों पर खरीदी, जिस कारण विजय को मुनाफा तो दूर की बात, उसकी लागत भी नहीं निकली, जिस कारण वह अवसाद से ग्रस्त होता चला गया और आज उसने अपनी गरीबी से हार मान ली और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपके भतीजे ने जो फांसी लगाकर आत्महत्या की, ये तो क्या वजह थी? इसका बैंक से ग्रीन कार्ड बना था। कितने का ग्रीन कार्ड बना? 60,000 का। बड़ौदा बैंक से। कब से नहीं चुका पाया था? 1 साल से। फिर क्या हुआ? फिर जी हुआ कि उसके पास परेशानी आ गई, तंगी हुई, जमीन में ज्यादा पैदावार अच्छी हुई नहीं, इस कारण उसने अपने नोटबंदी के कारण कुछ असर हो गया। उसमें मटर बोया हुआ था, नोटबंदी के कारण मटर का बिक नहीं पाया, सस्ता गया, इस वजह से उन्होंने फांसी लगा ली। पता कैसे चला कि आपके भाई ने आत्महत्या कर ली है, कैसे पता चला? जब सुबह जागे तो उन्होंने तक्का में ऐसे देखा कि अभी जागे निकले नहीं है लेटरिन के लिए, देखा गया तो वहाँ पर खूटी से टंगे हुए थे। 60,000 का बैंक ऑफ बड़ौदा से ग्रीन कार्ड बना था जी। जो खेती में कुछ इस बार सूखा नहीं है, मटर भी सस्ता बेकार नोटबंदी की वजह से, यानी घर की परेशानियों के कारण मतलब कर्जा नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उसने मतलब टेंशन में आत्महत्या कर ली। कभी इन परेशानियों के बारे में आपके भतीजे ने आपसे कुछ कहा था? नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। मतलब सुबह जब देखा कि मतलब ये उठा क्यों नहीं अभी सुबह, तो देखा मतलब कुंजी अंदर से बंद थी, तो मतलब देखा गया सुबह तो मतलब गले में फांसी लगाए हुए थे, मतलब साड़ी की। गाजियाबाद के बसपा विधायक सुरेश बंसल के समर्थन में विधानसभा भाईचारा कमेटी द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन नए बस अड्डे के पीछे सामुदायिक केंद्र में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे और उनके साथ बसपा के मुख्य नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर सिद्दीकी जी ने कहा, पिछले 5 वर्ष के अंदर सपा सरकार ने प्रदेश में हो रहे अपराध, सांप्रदायिक तनाव, लूटमार, भ्रष्टाचार, पूरा प्रदेश घर आया हुआ है। बहन जी ने अधिकारियों पर शांतिपूर्ण शासन याद आता है, जनता एक एक दिन उल्टी गिनती कर काट रही है, केवल बसपा सरकार के अंदर ही सांप्रदायिक भाईचारा संभव है। जिस सरकार के घरेलू झगड़े सड़कों पर आए और उसको सुलझा ना सके तो वह प्रदेश की जनता को क्या संभालेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने सुरेश बंसल जी के ईमानदारी, कर्मठता, पूर्ण संपन्न, मिलनसार आदि का बखान किया। उन्होंने बताया कि बंसल जी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में विधायक निधि लगभग 7 करोड़ रुपए गाजियाबाद के विकास में खर्च किया था। एटा पुलिस लाइन में स्कूली बच्चों ने 68वें गणतंत्र दिवस के मौके पर धमाल किया। एटा जनपद एटा पुलिस में आज 68वें गणतंत्र पर स्कूली बच्चों ने किया धमाल और एटा पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस पर अधिकारी एटा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तिरंगा झंडा फहराकर हर्ष उल्लास के साथ
गणतंत्र दिवस मनाया और जिलाधिकारी विजय कृष्ण आनंद इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि का भार संभाले और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग सब मिलकर इस गणतंत्र दिवस पर शपथ ले रहे हैं कि मतदान पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से करना है और कोई भी किसी तरीके से चुनाव में विघ्न डालता है तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिलकर कड़ी कार्रवाई करूंगा। और मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने परेड को संबोधित करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाया। 26 जनवरी को परेड की 15 टोली बनाई जिसमें यातायात पुलिस PAC महिला पुलिस फायर ब्रिगेड सहित सभी टोलियों ने शानदार परेड का प्रदर्शन दिखाया। वही स्कूली बच्चों ने भी अपनी कलाएं दिखाकर सभी दर्शकों को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश के एटा में 11 फरवरी को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में 11 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रशासन और पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में निकाली गई मतदाता को जागरूक करने के लिए रैली। रैली में जनपद एटा के सभी स्कूली बच्चे रहे मौजूद। ये रैली निकलने का उद्देश्य है मतदान पर सभी मतदाता अपना अमूल वोट डालें और शांतिपूर्ण तरीके से वोट डालें। इस रैली में सभी पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ये रैली एटा कलेक्ट्रेट से गांधी मार्केट से GT रोड होते हुए होटल माया पैलेस से जिला पंचायत में शपथ समारोह जहां रैली का हुआ समापन। CO/CT MPC ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान करने को ये रैली निकाली गई। इस रैली से मतदाता जागरूक होगा कि हमारा वोट अनमोल है, इसे गलत प्रयोग नहीं करेंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे समाचार टाइम 24। नमस्कार।